नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। डीग जिले कोतवाली पुलिस ने गोकशी के लेकर जा रहे 7 गोवंशों को मुक्त करवाया। पुलिस ने 5 गो तस्करों को गिरफ्तार कर 2 पिकअप को जब्त किया। पुलिस को जब तस्करों के बारे में सूचना मिली तो पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। इस पर तस्कर पिकअप लेकर डीग कस्बे के बाजार की तरफ चले गए। वाहनों की वजह से जाम लगा और पुलिस ने पिकअप की घेराबंदी कर 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। डीग कोतवाली के थाना अधिकारी सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी कि तस्करों को पकड़ने के लिए लक्ष्मण मंदिर पर नाकेबंदी की जा रही है। नाकाबंदी देखकर तस्करों के पिकअप मेन बाजार की तरफ चले गए, लेकिन भीड़ होने के कारण जाम लग गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी कर 2 पिकअप को पकड़ लिया। एक पिकअप के अंदर बैठे 2 व्यक्ति थे। नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम वाजिब निवासी कुकरपुरी थाना जुरहरा बताया, दूसरे ने शाहरुख बताया। पिकअप को चेक किया तो उसके अंदर 2 गाय और 1 गाय का बच्चा था। पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गोवंश और पिकअप को अपने कब्जे में लिया। दूसरे पिकअप में बैठे तस्करों ने अपना नाम आशु और दूसरे ने अपना नाम बताया। दूसरे पिकअप को चेक किया तो उसमें 4 गोवंश भरे हुए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गोवंश को वे रास्ते से उठाकर लाए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।